हाय प्यारे बच्चों, वेरी नमस्कार टू ऑल ऑफ यू। कैसे आप सब लोग? आप सभी बहुत अच्छी तरह से साइंस पढ़ रहे होंगे और अपनी प्रेपरेशंस कर रहे होंगे। जो भी आपके चेरिस्ट गोल हैं उनको एकम्प्लिश, उनको पाने के लिए आप अपने काम को बड़ी अच्छी तरह से कर रहे होंगे, ठीक है। आज हम एक छोटे से फैक्ट्स को डिस्कस करेंगे। फैक्ट्स ये है कि इंडिया में सब कुछ होने के बावजूद हमारे पास पोटेंशियल है, हमारे पास पीपल्स हैं, गुड टेक्नोलॉजिस्ट हैं, साइंटिस्ट हैं, इंजीनियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं। उसके बावजूद भी हमें जिस लेवल पे वर्ल्ड में अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो हम नहीं कर पा रहे। वो कौन सी वादाएं हैं जो हमें ऐसा करने में रोकती हैं, तो हम उनके बारे में डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहली वादा देखो कि हमारे पास जो है, इसे कहते हैं ना कि क्लियर कट जो पॉलिटिकल जो पॉलिसीज़ होती हैं वो नहीं है, ठीक है। किसमें? साइंस एंड टेक्नोलॉजी में काफ़ी सारा इंटरफेरेंस रहता है पॉलिटिकल का, ब्यूरोक्रेट्स का। तो ये जो पॉलिटिसाइजेशन एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन है हमारे साइंस एंड टेक्नोलॉजी की, और क्लियर कट पॉलिसी नहीं होने के कारण हमारे पास उसके लिए फंड एलोकेशन जो है वो पहले से हम लोग नहीं करते। कुछ जगहों को छोड़ के कुछ हैं ऐसी जिनके लिए करते भी हैं, लेकिन जितना फंड हमें रखना चाहिए हम उतना रखते भी नहीं हैं। तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट में बाधा डालने के लिए, ठीक है। तो क्लियर कट पॉलिटिकल पॉलिसी नहीं होने के कारण और अनड्यू पॉलिटिकल इंटरफेरेंस एंड ब्यूरोक्रेटाइजेशन, हमें लगता है कि ये बहुत बाधा है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, ठीक है। दूसरा है हमारे पास कि हमारे पास ओवर पॉपुलेशन है। ओवर पॉपुलेशन जो है, ऐसे ह्यूमन इज ए कैपिटल, हमें पता है ह्यूमन कैपिटल होना अच्छी बात है। जितनी स्ट्रेंथ हो हम उतना ही डेवलप कर सकते हैं, जैसे चाइना ने किया है। हम लोग नहीं कर पा रहे क्योंकि हमारा जो ह्यूमन है वो कैपिटल नहीं है, क्योंकि लाइबिलिटी है। मेजोरिटी ऑफ दी जो हमारे पीपल हैं उनको सब्सिडाइज फूड देना पड़ता है, अदर फैसिलिटी देनी पड़ती है। जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया ने भी कहा कि हम लोग 800 मिलियंस को नवंबर तक जो है वो खाना देंगे। कहने का ये मतलब है कि जब आप इतनी बड़ी पॉपुलेशंस को फीड करोगे, उनमें स्किल डेवलप नहीं करोगे और पॉपुलेशन को इंक्रीज ही करते जाओगे बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल और रिलीजियस गेन, ये बिना सोचे हुए कि जो आने वाली जनरेशन है हमको बेटर, इसे कहते हैं कि भविष्य दे पाएँ, फ्यूचर दे पाएँ, तो ये एक बहुत बड़ी बाधा है कि जो ओवर पॉपुलेशन है हमारे पास और उसके कारण लैक ऑफ फंड हो जाता है। एज एट द मोमेंट हम इसे कह सकते हैं कि एक वन ऑफ दी मेन हिंड्रेंसेज है हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी की डेवलपमेंट में। दूसरा, जो एनकरेजमेंट होती है, जो एनकरेजमेंट है साइंटिस्ट्स के लिए, ठीक है, जहाँ साइंटिस्ट्स के लिए, टेक्नोलॉजिस्ट के लिए, जिसके लिए, डॉक्टर्स के लिए एटसेट्रा, वो नहीं है इतनी, ठीक है, जितनी होनी चाहिए। तो इससे क्या होता है कि ब्रेन ड्रेन हो जाता है। बेटर सैलरी, बेटर फैसिलिटी के लिए अच्छे डॉक्टर जो हैं यहाँ से माइग्रेट करके उन कंट्रियों में चले जाते हैं जहाँ फैसिलिटीज़ अच्छी हो और जहाँ पे सैलरी अच्छी हो। और ये भी हमारे पास क्यों है? क्योंकि हम लोग उनको अच्छी तरह से एनकरेज नहीं करते। अगर हम अच्छा एनकरेज करें, सपोर्ट करें, तो वो जहाँ से जाएंगे नहीं। तो ये भी एक बहुत बड़ी हमारी बाधा है। दूसरा, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट होते हैं, जो हमारे इंडस्ट्रियलिस्ट हैं और जो हमारे साइंटिस्ट हैं, ठीक है, जहाँ हम ये भी कह सकते हैं कि जो हमारा इंटेलिजेंसिया क्लास है उसमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन है। उनमें लैक ऑफ कोऑर्डिनेशन होने के कारण क्या करते हैं कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं न्यू टेक्नोलॉजी के लिए जो आइडिया है वो आइडिया परचेज करते हैं एब्रॉड से। जब वो एब्रॉड से करेंगे तो हमारे वाले जो साइंटिस्ट हैं वो अपने आप को एनकरेज नहीं फील करेंगे, तो वो भी फिर क्या करें, डिस्करेज होगा उनको। तो हमें जो हमारे पास इंडिजनस टेक्नोलॉजी होती है, स्टेट ऑफ द आर्ट टेक्नोलॉजी, उसको प्रमोट करना चाहिए। ये हम लोग नहीं करते हैं। उसके बाद है जो लिबरलाइजेशन है, जो 1990s के बाद बाकी केसेस में हुई थी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, वो लिबरलाइजेशन नहीं हुई। तो वो नहीं होने के कारण
जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं, जो फॉरेनर प्लेयर हैं, FDI जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होती है, वो भी इतनी हमारी साइंस एंड टेक्नोलॉजी में नहीं हुई है। उसके बाद जो मेन है कि हमारे पास जो है ये सेमिनार होने चाहिए। कैसे सेमिनार? ऐसे होने चाहिए कि इसमें इंटरेक्शन हो, इंटरेक्शन हो इंडस्ट्रियलिस्ट के बीच में और जो हमारे एकेडमिशियन, हम कहते हैं हमारे हमारे जिसे हमारे जो ऑफिसर्स हैं, हमारे जो साइंटिस्ट हैं, ठीक है ना, तो हमारा एकेडेमिया जो है उसमें इन्वॉल्व होना चाहिए ताकि उनमें इंट्रैक्शन हो, बड़े सारे न्यू एवेन्यूज़ क्रिएट हो। ये बड़ा इम्पोर्टेंट है। दूसरा, हमारे जो विलेजेस हैं, हमारे जो अर्बन एरियाज़ हैं, उन विलेजेस में और अर्बन एरियाज़ में जो लोकल साइंटिस्ट हैं, यंग माइंड हैं, उनके छोटे छोटे इंट्रैक्शन आइडिया सेलिंग प्रोग्राम्स होने चाहिए। और हमारे विलेज में, जैसे हम मानते हैं कि हमारे विलेज में ये दो तीन प्रॉब्लम हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं कॉलेजेस में हैं, यूनिवर्सिटीज़ में हैं, कोई आइडिया दें और उस आइडिया को हम लोग क्या करें, यहाँ इंप्लीमेंट करें, ऐसे प्रोग्राम्स होने चाहिए। अर्बन डेवलपमेंट्स के लिए ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए कि जो जैसे ड्रेनेज सिस्टम को बेस्ट कैसे किया जाए, तो वो 10-20 आइडियाज़ सेलेक्ट करें, तब उनको इंप्लीमेंट करें, उनको एनकरेज करें, स्कॉलरशिप दें, ये होना चाहिए। जो स्कॉलरशिप प्रोग्राम्स हैं, जो स्कॉलरशिप्स प्रोग्राम्स हैं, वो बढ़ने चाहिए, क्योंकि हमारे जहाँ स्कॉलरशिप बड़ी मिनिमम मिलती है, अरसर स्कॉलर्स को GRF नेट किया होता है, तो उनको और बढ़ाने की ज़रूरत है ताकि वो उसमें अपने आप को, से कहते हैं कि अपने आप को असिमुलेट ऐसे कर लें कि उन्हें लगे कि मेरा यही फ्यूचर है। वो एज ए टाइम पास के लिए जब करते हैं, बाद में फिर और किसी जॉब में चले जाते हैं, क्योंकि आपने उनको एवेन्यू इतना नहीं दिया है जिससे अपना वो परिवार अच्छी तरह से चला पाएँ। तो मोस्ट अच्छी जो बात, जो बड़ी बात है, जो हिंड्रेंसेज में है, अच्छी बात तो नहीं हम कहते हैं हिंड्रेंसेज में है, वो ये है कि हमारे यहाँ वर्क कल्चर नहीं है। गवर्नमेंट संस्थान हो, पर्टिकुलर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस की बात करते हैं हम लोग, ये इनमें वर्क जिसके कहते हैं कि हमारा जो वर्क कल्चर है उसकी कमी है। तो वर्क कल्चर की कमी होने के कारण हम लोग उसको इतनी बढ़िया तरीके से आगे प्रेजेंट नहीं कर पाते। और जो प्राइवेट प्लेयर्स हैं उनको भी थोड़ा एनकरेज करना चाहिए कि जो डेवलपमेंट साइंटिफिक होगा उनको भी उनका शेयर मिलेगा। तो ऐसे प्रोग्राम्स जो हमारे इंडियंस के लिए हों, हमारे यंग माइंड्स के लिए हों, हमारा यंग माइंड जब बचपन से ही है तभी से उसको ऐसे तराशा जाए ताकि वो विद इन इंडिया में ही रहने की कोशिश करे, माइंड पहले डेवलप हो उसका साइंटिफिक रिसर्च में, क्योंकि हमारा प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम, मिडिल एजुकेशन सिस्टम इतना स्ट्रांग नहीं है जितना होना चाहिए गवर्नमेंट सेक्टर पर्टिकुलरली। तो अगर हम उनमें भी फोकस करें और उनको साइंटिफिक नॉलेज के लिए या रिसर्च के लिए हम लोग इनक्रेज करें तो काफ़ी अच्छा हो सकता है। ठीक है, साइंटिफिक स्कॉलर या रिसर्च और इंटर प्रोग्राम्स को और इनक्रेज करना चाहिए। और सारी जो सिविल सोसाइटी होती है, NGOs होती हैं, गवर्नमेंट, प्राइवेट, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, फ्रॉम एवरी रिस्पेक्ट साइंस एंड रिसर्च को जब आप इग्नोर करोगे तो आप काफ़ी प्रॉब्लम में आ जाओगे। जैसे अभी देखा हमने कि कोरोना वायरस COVID-19 जब हुआ तो काफ़ी परेशानी हुई, लेकिन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी जब ली पूरे वर्ल्ड ने तो विद इन वन ईयर, हालांकि सब लोग एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि एक साल में वैक्सीनेशन इसका हो पाएगा, लेकिन निकल पाएगा, लेकिन कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी से पूरा जब दुनिया के लोग आपस में मिले तो उन्होंने ऐसा कर पाया। तो ये जो एग्जांपल है ये हमें अपनी लाइफ में इंडिया में भी अप्लाई करनी चाहिए। और अभी कुछ गवर्नमेंट में जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें काफ़ी अच्छे प्रावधान हैं और हम पूरा कोशिश कर पूरी आशा करते हैं कि आने वाले समय में ये सारी वादाएँ जो हैं निकल जाएंगी और इंडिया आने वाले डिकेड में वर्ल्ड लीडर इन साइंस एंड टेक्नोलॉजी में हो गई। हालांकि प्राउड जिसके अंदर प्राउड करने वाले मूवमेंट्स अभी भी हमारे पास हैं कि हम लोग वेस्ट हैं ड्रग्स में, ड्रग्स का मतलब कि वैक्सीनेशन में हम इंडिया में बेस्ट हैं, फार्मास्यूटिकल में हम लोग बेस्ट हैं, ISRO इंडियन रिसर्च, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन में बेस्ट हैं हम लोग, बाबा एटॉमिक रिसर्च एंड बार जिसे कहते हैं उसमें बेस्ट है, IIT इंस्टीट्यूट्स हमारे बड़े अच्छे हैं, एम्स अच्छा है, तो हम लोग कह सकते हैं कि ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट साइंसेज हमारे पास बड़े अच्छे हैं और यूनिवर्सिटीज़ हमारे पास बड़ी अच्छी हैं। ठीक है, तो हमें लगता है कि आने वाले समय में अगर ये हिंड्रेंसेस को हम लोग कंट्रोल करें तो हम लोग एक बेटर पोजीशन में होंगे, हमारे बच्चे जो हैं पूरे वर्ल्ड को गाइड करेंगे इंडिया में रह के, विद इन इंडिया वो पूरे वर्ल्ड को अभी भी कर रहे हैं हमारे बच्चे गाइड, लेकिन विद इन इंडिया में रह के वो सबको गाइड करेंगे और हमारी क्रेडिबिलिटी वर्ल्ड में और बढ़ेगी। ठीक है, थैंक यू बच्चा लोग, आपने मुझे पेशेंटली सुना। मैं चाहता हूँ कि मेरा चैनल जो है ग्रो करे, घर में बैठे बच्चे पूरी फिजिक्स को थारली समझ पाएँ, तो आप मेरे चैनल को ग्रो करने में मेरी हेल्प करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें,
प्रेस करें बेल आइकन को, ताकि जब मैं न्यू वीडियो ऐसे छोटे और बड़े कंसेप्ट को जब भी लाऊंगा बेसिक लेवल पे या फिर हाई लेवल पे, तो वो सब तक पहुंचे और सब लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ। जो कोई नीट की इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा है उसके लिए भी हम लोग न्यूमेरिकल कंसेप्चुअल क्वेश्चन सारे काफ़ी सारे मीन कि काफ़ी निकालने की कोशिश करें। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, गुड नाइट।